हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डाइटिशियन हरप्रीत। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ। उस रेसिपी में हमने यूज़ किया है लेमन ग्रास। तो लेमन ग्रास में हम लेमन ग्रास क्या होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में ही मैं आपसे बात करनी हूँ। तो लेमन ग्रास एक छोटा सा प्लांट होता है जो आप अपने घर पर भी लगा सकते हो, किसी भी अपने पॉट में, गमले में आप उसको लगाइए। वो बहुत जल्दी ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद वो इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है कि वो ख़त्म ही नहीं होता। अगर आप उसको डेली भी आप लेमन ग्रास वाटर पियेंगे तो भी आपका जो लेमन ग्रास का जो पौधा होता है, प्लांट होता है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। आपको कभी भी किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग दिन में दो बार लेमन ग्रास वाटर का इनटेक कर सकते हैं। तो लेमन ग्रास वाटर जो होता है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो वेट लॉस है, वेट लॉस में हेल्प करता है। अगर आपका जो जैसे स्टबन फैट होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि मैं बहुत डाइट कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट मेरा जो फैट है वो नहीं जा रहा, वेट मेरा उतने पे स्टक हो गया है, तो उसे बोलते हैं स्टबन फैट। तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आप ये वाला वाटर पियेंगे तो आपका स्टबन फैट आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। अगर आपको ओबेसिटी है, आप काफ़ी मोटे हैं, तो आपको उसे कम करने में, थोड़ा सा बॉडी में हल्का पलड़पन लाने में आपकी हेल्प करता है। एंड उसके अलावा आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। आपके अगर स्टमक इश्यूज चल रहे हैं, लेमन तो आपको पता ही है, जहाँ पे लेमन का नाम आ जाता है वो आपके स्टमक के लिए बेस्ट होता है। तो लेमन आपकी स्टमक हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। कोई भी स्टमक के इश्यूज हो तो आपको लेमन ग्रास वाटर आप उसमें पी सकते हैं। एंड उसके बाद आपका जो उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, आप इसको कभी भी, जैसे आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स करते हैं तो आप उनकी जगह ये वाला वाटर भी ले सकते हैं। तो उसमें इसकी वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एंड उसके अलावा आपके बॉडी से जो आपके हार्मफुल टॉक्सिन होते हैं, आपकी जो बॉडी में जो आ रखे होते हैं, उनको भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये तो हो गए हमारे लेमन ग्रास के जो बेनिफिट्स होते हैं। उसके साथ ही हमने इस टी में यूज़ की है टर्मरिक। टर्मरिक के क्या बेनिफिट्स होते हैं? टर्मरिक तो हमारा एक ऐसा मसाला है जो हम अपनी हर एक वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं, हर चीज़ में यूज़ करते हैं। चाहे हम लोग कोई भी कुकिंग करें, कुछ भी बनाएं अपने किचन में, तो हमारा टर्मरिक का यूज़ होता ही होता है। तो टर्मरिक भी एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटीबायोटिक्स होती है टर्मरिक में। टर्मरिक कैंसर जैसी बीमारियों से भी आपको प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। कैंसर के पेशेंट्स भी टर्मरिक का पानी पीते हैं। और उसके अलावा आपकी स्किन के लिए, आपके एक्ने के लिए, एक्ने स्किन है, स्किन के इश्यूज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए अच्छी होती है। आप टर्मरिक को बेसन में डाल के अपने फेस पे एज अ फेस पैक भी लगा सकते हैं। आपके ब्लड को प्यूरीफायर करती है, मतलब ब्लड को क्लीन करने का काम करती है। अगर ब्लड में टॉक्सिन्स आ जाते हैं तो उससे हमारी हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, डिजीज आने लगती हैं, और मेनली हमारी स्किन पे इफेक्ट दिखता है उसका। तो जो हमारी टर्मरिक है वो हमारे एक ब्लड को प्यूरीफायर करने में हेल्प करती है। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है टर्मरिक। अगर आपको ऐसा कोई इशू हो या आपके आसपास किसी को भी कोई भी तरह की डिजीज़ हो, तो आप उनको ये वाला वाटर सजेस्ट कर सकते हैं। आपके वेट लॉस में हेल्प करती है, आपके कोल्ड कफ ऐसी छोटी छोटी बीमारियों के लिए तो रामबाण होती है। आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है। आपको अगर पेन है, जब किसी को चोट लग जाती है तब भी हम उन्हें उस पर हल्दी का लेप लगाते हैं, हल्दी वाला दूध देते हैं, वैसे हल्दी वाला पानी भी दिया जाता है, तो हमारे एज अ पेन किलर का काम भी करती है जो हमारी टर्मरिक होती है। उसके अलावा हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सर्कुलेट करने में हेल्प करती है। एंड बस ये यूजेज होते हैं टर्मरिक के। तो टर्मरिक को आप अपनी डाइट में यूज़ कीजिए। और ये वाली टी जो मैंने अभी जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये हमारी जो टी है ये आपका फैट बर्निंग टी हो सकती है आपके लिए। अगर आपको ऐसी कोई भी इशू है तो आप इसको अपने डाइट में, आप मिड मॉर्निंग में ले सकते हैं, मिड इवनिंग में ले सकते हैं, आफ्टर लंच भी आप इसको ले सकते हैं, जब भी आपका मन करे सुबह, अर्ली मॉर्निंग भी आप इसको ले सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है ऐसी टी को लेने का, क्योंकि इनमें कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं है, जो भी है आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। तो चलिए देखते हैं हमारी लेमन ग्रास एंड टर्मरिक टी की रेसिपी। चलिए चलते हैं किचन की ओर। सो ये हमने 1.5 कप मैंने पानी रखा है यहाँ पे बॉईल होने के लिए। थोड़ा सा ये जब गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें अपना इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे।
ये हमारे पास है थोड़ा सा लेमन ग्रास, तो हम इस लेमन ग्रास को अपने पानी में डाल देंगे और इसको बॉयल होने देंगे अच्छे से। और इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक, जैसे ही अच्छे से बॉयल हो जाएगा हम इसको कंज्यूम करेंगे सिप सिप करके। ये अच्छे से बॉयल हो गया है, इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से बॉयल होने देंगे। हमने इसको अपने ग्लास में निकाल लिया है, अब ये बहुत गर्म है बट हम इसको सिप सिप करके पियेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद।